अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है फैज़ान और मैं एम हनीफ ट्रेडर्स के प्लेटफॉर्म से आपके लिए फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। ये है डॉलिंस कंपनी का कॉफ़ी मेकर। जी हाँ, सर्दियाँ आते ही कॉफ़ी मेकर्स की डिमांड में एक्सेसिव इजाफा हो जाता है। बहुत से लोग हमसे कॉफ़ी मेकर्स के बारे में पूछ रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर वारंटी वाली साइड के अंदर जो इम्पोर्टेड कॉफ़ी मेकर्स हैं ना, उनका काफ़ी कम मतलब अवेलेबिलिटी है। इम्पोर्टेड तो बहुत सारे ब्रांड आते हैं, लेकिन उनकी यहाँ पर आफ्टर सेल, उनकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान में, जो कोई भी ब्रांड इसको ऑफर नहीं कर रहा था। जो अंडर परफॉर्मर हैं या इतने कोई ख़ास कॉफ़ी मेकर्स नहीं हैं, वो तो बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल कॉफ़ी मेकर का बहुत बड़ा गैप था, जो कि डॉलिंस ने थैंक्सफुली फिल कर दिया है। तो ये जो आप मेरे साथ देख रहे हैं, डॉलिंस का ये कॉफ़ी मेकर है, जो कि 2 साल की कंप्लीट वारंटी के साथ आता है। अपार्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डैमेज, एवरी सिंगल पार्ट इज़ कवर्ड अंडर वारंटी। अब आप ये जो देख रहे हैं, इसकी फिनिशिंग बहुत लेवल की फिनिशिंग है। मैं आपको इसके साथ शॉट दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि वाकई में इसकी फिनिशिंग बहुत लेवल है। ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर पूरी ये टच स्क्रीन दी हुई है। इसमें आप एक्सप्रेसो, लाटे, अमेरिकानो, तमाम टाइप की कॉफ़ीज़ बना सकते हैं। इसके साथ एक इंटीग्रेटेड मिल्क जार भी दिया हुआ है। इसके अंदर आप 0.3 लीटर का जार है, इसके अंदर आप मिल्क फिल कर दें। ये कॉफ़ी प्रेसर भी दिया हुआ है, इसके साथ स्पून भी दिया हुआ है। मतलब ये एक प्रोफेशनल कॉफ़ी मेकर है, जो कि आपके किचन के अंदर एक अच्छा एड ऑन भी है, और एक अच्छी कॉफ़ी पीने का जिनको एक्सपीरियंस लेना होता है घर बैठे, तो आप कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एम हनीफ ट्रेडर्स ने साल की सबसे बड़ी सेल के अंदर सारी अप्लाइंसेस के ऊपर सेल लगाई है, उसके साथ इस कॉफ़ी मेकर्स पे भी एक्सक्लूसिवली सेल है। अच्छा, इसका जो टॉप पोर्शन है ना, ये भी बहुत आला क्वालिटी का है। इसके ऊपर इन्होंने बॉटल मतलब जो कप वार्मर होता है ना, एक टाइम पे 6 कप जो शॉट्स होते हैं ना, उनको आप वार्म कर सकते हैं। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है और बआसानी इसके अंदर कप जो होते हैं ना, वो वार्म हो जाते हैं। इसके साथ 2 डुअल आउटलेट दिए हुए हैं, मतलब एक टाइम पे आप 2 कप फिल कर सकते हैं। इसका जो बॉटम है, ये भी पूरा स्टेनलेस स्टील के डिस्पेंसर की तरह एक जार सा दिया हुआ है, जिसके अंदर जितना भी स्पिलेज होगा वो इसके अंदर आएगा। तो अगर आपका जो किचन काउंटर है, ये उसको भी ख़राब नहीं करेगा, और ये रखा हुआ भी बहुत अच्छा लगेगा। आप सिर्फ एक सिंगल टच की प्रेशर से जो है ना, कोई भी कॉफ़ी अपनी बना सकते हैं। तमाम इक्विपमेंट इसके साथ है, आपको एडिशनल कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक आपने एक अच्छी कॉफ़ी लेनी है, इसके अंदर मिल्क फिल करना है, इसको ऑन करना है, और यहाँ से अपनी डिज़ायर्ड कॉफ़ी पे आपने प्रेस करना है। आपको कैपेचिनो पसंद है तो कैपेचिनो पी लें, लाटे, अमेरिकानो, तमाम टाइप की कॉफ़ी जिसके अंदर बआसानी बन सकती हैं, प्लस 2 साल की कंप्लीट वारंटी है। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा कॉफ़ी मेकर जिसके अंदर तमाम चीज़ों, जिस तरह सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना कॉफ़ी मेकर्स के अंदर, वो ये आता है कि कप वार्मर नहीं होता साथ। अब आप कप वार्मर के लिए एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट करें, वो अलग लें, ये अलग लें, तो अब जो टाइम आ गया ना, वो ये हो गया कि एक इंटीग्रेटेड मशीन लोग ढूंढ रहे होते हैं, जैसे दूसरी अप्लाइंसेस के अंदर हो रहा है जी, कि एयर फ्रायर भी माइक्रोवेव में आ गया, बेकिंग भी माइक्रोवेव में आ गई। इसी तरीके से अब इन्होंने बॉटल वार्मर भी साथ दे दिया, कि मतलब जो कप वार्मर है वो भी इसके साथ इंटीग्रेटेड है, जो मिल्क वो बार जार होता है वो भी इसके साथ इंटीग्रेटेड है। ये बआसानी देखें यहाँ से निकल भी सकता है और इसके अंदर ये अटैच भी हो सकता है। तो मतलब बहुत आसान इसका जो लेवल है ना, बहुत आसान है, कोई एक्स्ट्रा असेंबलिंग नहीं है इसकी। अब बहुत सारे कॉफ़ी मेकर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक्स्ट्रा असेंबलिंग बहुत सारी होती है, तो बंदा सोचता है कि यार इसको निकालें डब्बे से, सेट करें, फिर बनाएं। एक दफ़ा आपने इसको असेंबल कर दिया, इसके अंदर मिल्क फिल कर दिया, और इसके साथ कॉफ़ी आपने ऐड करनी है, बआसानी ये नीचे लग जाएगा। इसके इससे आप प्रेस करें, इसको नीचे लगाएं, और अपनी बेहतरीन कॉफ़ी घर बैठे बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ये बॉटल वार्मर कॉफ़ी मेकर लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और घर बैठे अपने पसंदीदा कॉफ़ी मेकर को ऑर्डर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।